जिस तरीके से मंजीत जी ने पूरा इतिहास बताया इस देश का, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। देखिए, मैं राजनीति में सच्ची बताऊं तो एक सच्ची नियत के साथ उतरा था। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके इतने करियर हैं, आप क्रिकेट से अभी रिटायर हुए, आपने कॉमेंट्री करनी शुरू ही करी, तो राजनीति की आपकी छोटी सी फैमिली, मेरी दो बच्ची हैं, एक 5 साल की, एक 1.5 साल की। मुझे लगता था कि दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, एक ऐसे कि जो हर मुद्दे पे सिर्फ ट्वीट करते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं और वो ट्वीट करने के बाद भूल जाते हैं, फिर कभी कोई अपना मुद्दा होता है तो ट्वीट करते हैं फिर भूल जाते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं क्या सिर्फ ट्विटर पे ही जंग लड़ने के लिए बैठा हूँ, या फिर मैं मैदान को लड़के जो मेरी भावना है इस देश के लिए मैं लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, इस देश को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं बाकी नेताओं की तरह तो बोल नहीं सकता क्योंकि 10 दिन पुराना हूँ, मुझे राजनीति पता भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मैं आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ कि एक सच्ची नीयत के साथ उतरा हूँ, एक सच्चे दिल के साथ उतरा हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए उतरा हूँ, इस देश को आगे लेके जाने के लिए उतरा हूँ। तो अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही को ही वोट दीजिए, अगर आपको लगता है मेरे अलावा कोई और कैंडिडेट आपकी बेहतर सेवा कर सकता है, आपके लिए आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, तो आप जरूर उसको दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक सच्ची नीयत के साथ हूँ, और वो सच्ची नीयत यही है कि पिछले 10 दिन से 37 साल में मेरे ऊपर इतने एलिगेशन नहीं लगाए गए जितने 37 दिन में आम आदमी पार्टी ने लगाए। और मुझे लगता था कि जब राजनीति के मैदान में शहर क्रिकेट के मैदान की तरह कि आप लड़ाई करते हैं आमने सामने की, और यही मुझे सिखाया गया था जब मैं क्रिकेट के मैदान, जब मैं 25 साल क्रिकेट खेला हूँ, कि आप लड़ो तो मैदान में लड़ो, मैदान के बाहर सब प्यार से रहो। लेकिन यहाँ पर जब मैं नॉमिनेशन भरने गया उस दिन से लेके अभी तक हर डिफरेंट तरीके के एलिगेशन, मुझे लगता था कि ऐसा मैंने क्या किया और ऐसा मैंने क्या गलत किया कि 15 दिन पहले मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला और 15 दिन बाद मैं शायद दिल्ली का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो गया, FIR लॉन्च हो गई, पता नहीं क्या 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 एक्विजिशन कराई गई। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ना बहुत नहीं थी, लेकिन मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को डे वन से, पहले दिन से लेकर अभी तक, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो यहाँ पर बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता अध्यक्ष हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे जाने के बाद या मेरे पीछे से, और ना मैंने उनको सिखा के यहाँ पर कुछ बोला है, कि मैंने हर कार्यकर्ता को एक ही बात बोली है कि ना तो हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को गलत बोलेंगे, ना ही हम किसी और कैंडिडेट के बारे में गलत बातें करेंगे, हम इस देश में एक पॉजिटिव राजनीति करने के लिए उतरे हैं, मैं इस देश में पॉजिटिव राजनीति करने के लिए उतरा हूँ, मैं ना किसी और कैंडिडेट के लिए, चाहे वो कोई भी हो, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव है उनमें, चाहे वो कैसे भी कैंडिडेट हो, लेकिन मेरी तरफ से या हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से या कोई सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जंग हो गई है, कभी बोला कि मैं डिबेट से डर गया, कभी हमारे सीएम साहब ने बोला कि मैं 23 के बाद आपको 240 दिन 250 दिन देश से बाहर दिखूंगा, तो ये जो ऐसी एलिगेशन लगाई गई ये बिल्कुल गलत है, और मैंने उनको तब भी ये बोला कि आप कुछ ये रिप्लाई करेंगे, हम देश को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, हम ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी को, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी बनाएंगे, हम दिल्ली को लैंडमार्क पैलेस नहीं बना सकते, चाहे वो आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे हमारी पॉपुलेशन देख लीजिए, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, और झूठे वादे करके सिर्फ सत्ता हासिल कर सकते हैं, जो सच्चे वादे करते हैं वो सिर्फ काम करने के लिए उतरते हैं। मैं आप सबको यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं कोई झूठे वादे नहीं करूँगा, मैं वही वादे करूँगा, शायद मैं देश के इसलिए खेल सका कि मैं एक साफ हवा में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, साफ पानी पिया, वही पानी पिया जो मैदान में पाइप से घास को दिया जाता था, उस पानी को पी के मैं बड़ा हुआ जो मैं क्रिकेट खेलने जाता था। आज अगर आप देखें आप घर पे अपने नलके का पानी भी नहीं पी सकते, ठीक है, तो हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो हम अचीव कर सकते हैं। मैं किसी को उनके जज्बातों से खेलकर वोट हासिल करने नहीं आया, ना मैं कभी करूंगा। तो अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मेरे को 37 साल की मेरी उम्र है, और 37 साल में मुझे हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया, और लोगों ने ये भी बोला कि बहुत अप्रूव है, बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मेरे आदर्श 37 साल में मेरे जीवन में कौन रहे। तो जब मुझसे पूछा कि क्रिकेट खेल के कोई आदर्श, मैंने कहा कोई नहीं, तो सबको लगा बहुत अप्रूव है। मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 100 बुक्स शुरुआत करी होगी, लेकिन 2 ही बुक कम्प्लीट करी है, वो मेरे आदर्श के ऊपर है, वो है श्री भगत सिंह।
भाषा उनसे बहुत प्रभावित होकर मैंने सिर्फ दो बुक पढ़ी है उनके ऊपर और उनसे प्रभावित होकर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसी रीजन से मैंने राजनीति ज्वाइन करी है। बाकी आप सब लोग इधर आए, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, मुझे अपने इतिहास के बारे में पता चला। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन करेंगे आगे स्वागत करेंगे ना भाई भाई नाम बोला भाई भाई और अपने स्थान से बंदे जाने बोले सोने हाल इंद्रजीत सिंह जी रवा साहब मेहंदी साहब इस आपने सचिता ने भाई भाई मिलाओ मत जिन्होंने आगे इस भूमिका बड़ी अच्छी निभाई थी कार्यक्रम चित लवली जी बाबूलाल दुगर जी बब्बर जी एस एफ बब्बर जी दुगर जी जो प्रेजिडेंट ने उस वक्त भवन के स्वागत कर रहे हैं और एक मैं जी चीज इतना पसंद है गौतम जी को और देख लगा अपने सारे मैंबर तरफों वो है शहीद भगत सिंह जी याद राम किशोर जी जिला दर्श आगे बेनती करना एक भाई बबर साहब अपना स्वागत करेंगे फुलगन साहब स्वागत करेंगे रामकिशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनवास कर मोटू भी आनंद साहब भी सारे जाए दूरों आए हैं इन्हें कीमती समय करके विजय जी दीपक सहगल जी अवतार कोहली जी मेरी वो बेनती नीचे